आज का हमारा परचेजिंग ये है मेरे कुछ बुक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश स्वागत करता हूं आपको मेरे अपने यूट्यूब चैनल नेचर्स लैब में। आज मैं हूं प्रगति मैदान नई दिल्ली। कुछ किताबों की तलाश थी जिसे मैं ढूंढ रहा था, नहीं मिल पा रहे थे, नेट्स पर भी कुछ बुक्स नहीं अवेलेबल थे। तो आज वर्ल्ड बुक फेयर में प्रकाशकों की मंडली लगी हुई है, तो मैं भी कहीं वो मिल जाए। मेरे जो फेवरेट राइटर है अंतोन चेखव, चलते हैं उनकी तलाश में। अभी फिलहाल हूँ मैं भारत मंडपम में और चलने वाले हैं वर्ल्ड बुक फेयर में घूमने के लिए। मेरे जो फेवरेट बुक्स हैं 1982, देखते हैं कहाँ मिल रहा है, कहाँ क्या मिलता है कि नहीं, नहीं सब आप खोजे मिल रहा है। कहते हैं ना कि किताबों से अच्छा कोई मित्र नहीं हो सकता। अगर जो किताबें साथ हैं तो किसी मित्र की ज़रूरत नहीं। फिर भी आज मेरे साथ रिक जो फ्रेम में दिख रहे हैं वो मेरे मित्र ज्ञानेंद्र जी हैं। इन्हीं के साथ आज मैं किताबों की दुनिया में एंटर करने वाला हूँ। ये है राजकमल प्रकाशन समूह का लेखक मंडली मंच। सामने देख सकते हैं कुछ राइटर्स अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। किताबों की दुनिया है, कहीं गजल है, कहीं शायरी है, कहीं कथा है, तो कहीं उपन्यास है। आधे अधूरे दिखेगा ना, वो लेंगे फिर से पढ़ेंगे आधे अधूरे। रिफ्रेशमेंट्स भी देंगे, आप बैठ जाओ। ओके, आप यहाँ बैठ जाइए, इधर हम आपकी पिक्चर कर लेंगे। आगे बिल्कुल यहाँ सेंटर में बैठ जाइए, इधर। ओके, यू कैन स्टैंड हियर मे बी, ठीक है? यस, यू कैन डू दिस पोज। अच्छी बात है, और देख लेंगे थोड़ा, उधर भी बच्चे आ जाएंगे। यस, आप ऐसे हेलो कर सकते हो, आप काम की पिक्चर क्लिक हो रही है। ये था बाल मंडप, जो कि प्रतियोगिता दर्पण इंडिया का मोस्ट सेलर कम्पिटेटिव बुक्स में से एक पब्लिकेशन है, उसके थ्रू लगाया हुआ था। यहाँ पर मैं समझा कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का ये जो स्टॉल लगा है, यहाँ मैं गया तो देखा कि वाह, ये तो कोई सऊदीन नहीं है, बट ये इंडियन ही थे, तो ज़्यादा मैंने इंटरेक्शन नहीं किया। यहाँ पर उनके गीत संगीत हो रहे हैं और सेल्फी। मैंने बहुत सारी बुक्स खरीदा है, बच्चों के लिए भी है, छोटी छोटी कहानियां, बाल साहित्य, और मैं दिखा देता हूँ। दिखा दो, दिखा दीजिए क्या क्या लिए। बहुत सारे अभी अभी और लाना है, आपने भर रखा भाई, आपने खरीद खरीद के। हाँ, इसमें भी है। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए सोन चिरैया, आपकी कुओजा, खेल खिलौने, खेल खिलौने, और ये छोटी छोटी किताब है कहानियों की, जादुई पेन। अरे वाह, क्या बात है, होनहार बच्चे पढ़ेंगे तभी तो बनेंगे होनहार। और आपने शायद ये यूपी का भी लिया, उत्तर प्रदेश, वन लाइनर, वन लाइनर, वेरी नाइस। ठीक, धूप बहुत लग रही है, आंखें धूप लग रही है, तो कैसा है ये बताइए। बहुत मजेदार है, पुस्तक मेले मजेदार है। हाँ, और अभी और जाएंगे, दोबारा आना चाहिए। हाँ, दोबारा से। तो आप दोस्तों क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे आओ, आओ यहाँ, आओगे तभी देखोगे दुनिया, कुछ पाओ तभी पाओगे कुछ। अभी ज्ञानेंद्र जी का मन नहीं भरा है,
तो चलते हैं अभी फिर से अगेन वर्ल्ड बुक फेयर में एंटर करने। भारत लेडीज इंडिया एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट्स डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड वी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं इस बहुभाषीय मल्टी लिंग्विस्टिक नेशन को एक बनाए रखने का, सजोने का, संवारने का और आगे बढ़ाने का। इस तरह से हमारी खोज अभी चल ही रही है, चलते हैं नेक्स्ट। What is change, I'll come to later, but first of all, I want to thank you for inviting me here and having me speak to you. मेरे सामने नीरजा चौधरी, फेमस जर्नलिस्ट, भारत के अभी तक 5 प्रधानमंत्रियों का ये इंटरव्यू ले चुकी हैं। इनके बारे में कहा जाता है और जिस दिन मैं इनसे मिल के आया उस दिन ही इनको मैंने टीवी पर भी देखा। This was my purchasing at the World Fair Meran और ये है मेरे कुछ बुक। जी क्या क्या लिया आपने आज बुक फेयर में? मैंने बच्चों के लिए मैं लिया हूँ, ज़्यादा सामने दिखाइए थोड़ा मुझे। इन्वेंशन दैट चेंज द वर्ल्ड, वेरी नाइस, चेंज द वर्ल्ड। ओके नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी पार्ट, ह्यूमन बहुत अच्छी बुक्स है, अमेजिंग। इसके अंदर सारे कटआउट है, ओके 3D में, आई थिंक 3D है, 3D कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास? कुछ है कहानियाँ है, ओके बाल साहित्य, जादुई पेन, वेरी नाइस, होनहार बच्चे, होनहार बच्चे, इंग्लिश की मोरल मोरल स्टोरीज, और ये अच्छी लगी मुझे मोरल स्टोरीज। ओके मोरल स्टोरीज के दो किताब, सोन चिरैया, ओके मिकू ओझा कहानी संग्रह, और खेल खिलौने, खेल खिलौने आई थिंक। अच्छा ये बाल गीत है ना? हाँ बाल गीत संग्रह, गीत है, हाँ गीत है, विष्णु शर्मा हरिहर की। ओके और इसके अलावा अपने लिए क्या लिया है? अपने लिए लिया है, इसी में से पढ़ लेंगे। हाँ बताइए अपने लिए। सेम मैंने भी वही लिया है, प्रेमचंद। ओके कर्मभूमि लिया, वही मैंने भी लिया, वेरी नाइस। फिर सोजे वतन मैंने भी लिया है, सोजे वतन आपको भी पढ़ना है। सेवा सदन लिया है, सेवा सदन। आखिर प्रेमचंद को इतना लाइक क्यों करते हैं बताइए? प्रेमचंद से बहुत जुड़ाव है क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के जहाँ पे रहने वाले वो है, वहीं के आसपास का मैं भी हूँ, और वो जो कहानियाँ लिखते थे वो एकदम जमीन से जुड़े हुए और समाज से जुड़े हुए, भारतीय समाज की कहानियाँ, भारतीय समाज की दशा को, व्यथा को, इसलिए अच्छी लगती है। वाकई मुंशी प्रेमचंद कलम के सिपाही, क्योंकि मैं बात करूँ उनकी जो रचनाएं चलती, जो हमारे आसपास घटनाएं घटित होती उसी को उनकी एकदम उसी को, जैसे दो बैलों की जो जोड़ी थी, हाँ वो देख, हीरा और मोती, हीरा और मोती, कफन है, गबन है, ये सारी सच्ची कहानियां हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फटा हुआ जूता उनका, आफ्टर परचेजिंग ऑफ सो मेनी बुक्स स्टोरीज के, हिंदी स्टोरीज के मैंने बहुत सारी बुक्स खरीदे, लास्ट में हमने विदा लिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।